जो हमें छोड़कर चले गए उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौटी नहीं आ पाई जो हमें छोड़कर चले गए उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं मन सिहर जाता है उदास हो जाता है लेकिन साथियों संकट के उसी समय में निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था हमारे डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ एम्बुलेंस ड्राइवर आशा वर्कर सफाई कर्मचारी पुलिस के साथ ही और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों अपने परिवार से दूर रहे कई कई दिन तक घर नहीं गए सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी ही गर वापस लौटी नहीं आ पाई उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है भाइयों और बहनों मानव इतिहास में अनेक विपदाएं आई महामारियां आई भीषण युद्ध हुए लेकिन कोरोना जैसी चुनौती की किसी ने कल्पना नहीं की थी एक ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव ना तो साइंस को था ना ही सोसाइटी को था तमाम देशों से जो तस्वीरें आ रही थी वो खबरें आ रही थी वो पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतीय को विचलित कर रही थी ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे लेकिन साथियों भारत की जिस बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताया जा रहा था उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। भारत ने 2400 घंटे सतर्क रहते हुए हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए